हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीतू स्वागत करती हूं आपका नीतूज़ होम वर्ल्ड में। तो यहां आप देख रहे हैं कि मैं बनाने जा रही हूं चना आलू मसाला। तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट करना ना भूलें। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आलू चना मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चने को 5 से 6 घंटे के लिए फुला कर रखा है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 कप चना लिया है और इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया। पर मैंने कुकर को चढ़ा दिया है, 5 से 6 विसल आने तक का वेट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक बार चेक कर लें कि आपका चना पक गया है कि नहीं। इस तरीके से निकाल कर चेक कर लें। ये देखिए ये अच्छे से पक चुका है। अगर आपका चना नहीं पका हो तो आप उसको 1 सीटी या 2 सीटी, जितना नहीं पका हो उसको दोबारा से पका लें। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 आलू लिए हैं। अब इसको भी मैं बॉईल करूँगी। तो यहाँ मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसको भी मैं 3 सीटी आने तक पकाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ हमारा आलू भी बन गया है, पक गया अच्छे से। इसको चेक करने के लिए आप इस तरीके से नाइफ से एक बार अंदर डाल के देखें। तो ये देखिए, तो ये हमारा आलू बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को करने को। लगभग 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो गया। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा डालूंगी, 2 मैं इसमें बेलीफ डालूंगी यानी कि तेज पत्ता। यहाँ पर मैं 1 लाल मिर्च खड़ी वाली डाल रही हूँ। फ्लेम को स्लो ही रखें। मैं इसमें 1 बड़े साइज का प्याज डाल रही हूँ, चॉप्ड कटिंग किए हुए। मैं अब इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल रही हूँ। अगर आपको हींग नहीं अच्छा लगता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए मैं अब इसमें 1 टीस्पून इसमें अदरक डाल रही हूँ। ये मैंने चॉप्ड किया है, मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्लेम को स्लो रखें और मैं अब इसमें ये देखिए 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। इसमें मैं 1/2 टीस्पून मैं जीरा डालूंगी और मैं इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए मैं 1 टीस्पून इसमें चना मसाला पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास चना मसाला पाउडर नहीं है तो आप गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एकदम आप स्लो फ्लेम पे ही इसको रखें। टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया था, उसको डाल दें आप। टमाटो प्यूरे, उसको अच्छे से मिक्स कर दें। फ्लेम को मीडियम हाई कर लें। फ्रेंड्स, इसमें अब मैं नमक डाल देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। बात का ध्यान रखें कि चना में भी हमने नमक डाला था बॉईल करते वक्त। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये टमाटर मैंने डाला, तो इसको जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक हमें पकाना है स्लो फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ मैं 1 टीस्पून मैं यहाँ पे कसूरी मेथी को ले रही हूँ। इसको इस तरीके से क्रश करके डालें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2 मिर्ची को स्लिट करके डाल रही हूँ। ये फ्रेशनेस के लिए मैंने डाला है बाद में। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें चना डाल रही हूँ जो मैंने बॉईल किया था 1 कप। अब ये जो आलू मैंने बॉईल किया था इसको कटिंग नहीं करेंगे, इस तरीके से प्रेस करके इसको तोड़ लेंगे। इससे सब्जी का जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अब इसको एक अच्छा सा टॉस दे दें। इसमें मैं अब थोड़ी सी धनिया का पत्ता डालूंगी, वाटर डालूंगी। फ्लेम को थोड़ा हाई कर लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, इसमें अब मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालूंगी और इसको बॉईल आने देते हैं और इसको ढककर पकाते हैं। इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है, बस बॉईल आने तक ही पकाना है क्योंकि हमारा आलू और चना दोनों बॉईल है।
तो फ्रेंड्स बीच बीच में इसको चलाते रहें और ढक कर लगभग 2 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएं। इसको लगभग 2 से 4 मिनट के लिए पकाएं। फ्रेंड्स तो ये देखिए, ये हमारा लगभग बन गया है। एक चम्मच ये देखिए घी डालूंगी, इसमें कुछ धनिया के पत्ते मैं फिर से डाल रही हूँ। इसको एक मिक्स दे दें और गैस को ऑफ कर दें। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये बन गया है, अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ये देखिए ग्रेवी आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चना आलू मसाला बनकर रेडी है। तो आप भी इसको ट्राई करें और आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।